हाय गुड मॉर्निंग। हॉस्टल का हमारे ये देखो भाई नाम है इसका स्टार हॉस्टल। ही इज फ्रॉम चाइना। नाइस टू मीट यू मैन। सेम है। 4 बजे 3:30-4 फिर भी यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये देखो मर्सिडीज का कितना पुराना मॉडल। लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। सुबह भी हम मिले थे भाई, हर कोई मदद कर रहा था हमें। ये है एम्बेसडर होटल अलमाटी का सबसे महंगा होटल। आप देखो जब तक ये ग्रीन है ना, कितने सेकंड जब तक आप चल सकते हो, कोई गाड़ी भाई लाइन से पीछे ही दिखेगी। सिगरेट के बहुत शौकीन है भाई, जिसको देखो आप सिगरेट ही हाथ में। 120 रुपए की किटकैट। पानी की बोतल का यहाँ पे प्राइस है 235 टेंगे, यानी के करीब 45 रुपए। ये देखो रेडबुल 140 रुपए का है। नशे की चीजें यहाँ पे सस्ती है। आई एम इंस्टाग्राम यार। यहाँ से इतना सा सामान लिया हमने, एक पानी की बोतल, एक बिस्किट का पैकेट, और बिल आया भाई 1500। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है भाई, किसी को भी देख लो भाई। और जो चप्पल पहनते हैं यहाँ पे टूरिस्ट भी पहनते हैं ना, लोकल बंदे उनको मानते हैं गरीब। सारी गाड़ी आपको ना वैसे यहाँ भाई शेवरोलेट और किया और टोयोटा की मिलेंगी। टोयोटा की ज्यादा गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये देख लो गाड़ी के पीछे कितना गैप है भाई, 5-6 फीट। हमारे इंडिया में होता ना तो बिल्कुल उसके आगे घुसा के रखता। सारे लोग ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं मैं हाय शर्माते हैं भाई यहाँ के लोग। हे गाइस, कैसे हो आप सब? होप्स आप सब ठीक हो गए। तो भाई अलमाटी में आज हमारा पहला दिन है। आपने देखा था पिछली वीडियो में हम कैसे पहुंचे थे भाई, 7 बजे यहाँ पहुंचे थे अपने हॉस्टल पे। फिर चेक इन हमें 12 बजे मिला था भाई। तो अभी बज रहे हैं फिलहाल 3, होटल के किचन में हूँ हॉस्टल के। देख लो भाई स्टार हॉस्टल नाम है भाई इसका, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे अपना खुद। और डॉर्मेटरी टाइप सिस्टम है भाई वो जो होता है हॉस्टल्स का। ये देख लो भाई कुछ इस टाइप के रूम। हाय गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग या मॉर्निंग बाहर का नजारा देखो यार भाई, जब सुबह आए थे ना यकीन नहीं करोगे भाई, जो दिख रहा है ना यहाँ पे नजारा भाई। मौसम इतना ठंडा हो चुका है यहाँ पे, इस टाइम भी आप समझो दिन का टाइम हो रहा है 4:30-4:30, फिर भी यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है भाई। अप्रैल के महीने में, अप्रैल का लास्ट है, फिर ही हाल है, मतलब बहुत ठंड है भाई, हाथ वाथ सब सोन हो जाते हैं भाई। अंदर तभी टी शर्ट डालनी पड़ गई क्योंकि हम आए थे गर्मियों के मतलब से, अब यहाँ आके टेम्परेचर इतना गिर गया क्योंकि बारिश हुई थी कल रात में। बाकी भाई यहाँ ये देख लो यार कितने साफ सुथरा, ये देखो मर्सिडीज का कितना पुराना मॉडल। अभी निकलते हैं यहाँ से, पहला दिन है तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ क्या क्या है, पहले लोग कैसे हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि भाई जहाँ तक मुझे लगता है भाई लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि सुबह भी हम मिल रहे थे भाई, हर कोई मदद कर रहा था हमें लोकेशन पूछने में, हर चीज़ में भाई। रुक रुक के भाई 15-15 मिनट वहाँ पर रुके हुए हैं, बातें कर रहे हैं। बाहर चलते हैं और पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद कहीं घूमते हैं। बाहर से देख लो हॉस्टल का हमारे, ये देखो भाई नाम है इसका स्टार हॉस्टल भाई, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस हॉस्टल है पूरे अलमाटी में, और ये मेन अरबाज स्ट्रीट के पास है, जहाँ पर सारी नाइट लाइफ, सारी भीड़, सारी पब्लिक यहीं पर ही है। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं, खाते पीते और फिर निकलते एक्सप्लोर करने। भाई देखने आए बाहर का नजारा भाई, हवा बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है। तो यार यहाँ देखो सब कुछ ना भाई ट्रैफिक रूल से चलता है, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं अभी। ये जो मेन रोड है ना, इसके साथ में एक सर्विस लेन दी गई है पब्लिक के चलने के लिए। आए गाइस, यहाँ के लोग थोड़े शर्मीले हैं भाई, और लेकिन शर्मीले भी और फ्रेंडली भी भाई, बहुत बात भी करने पाते तो फुल बात करते हैं। और भाई ये सिस्टम अच्छा है यार यहाँ का रोड पे, मतलब बंदे को रोड पे चलने की जरूरत ही नहीं भाई, सर्विस लेन में चलो, हर जगह सर्विस लेन है भाई हर रोड पे। और रोड क्रॉस करने के लिए भी ना भाई यहाँ पे लाइट होती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम भाई बहुत ज़्यादा है यार, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है भाई, इंग्लिश तो बहुत ही कम लोगों को आती है। हमारे होटल में लोग जो हैं उनको तो फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, बाकी तो भाई किसी को इंग्लिश ही नहीं आ रही यार, परेशानी हो रही भाई। ये है एम्बेसडर होटल अलमाटी का सबसे महंगा होटल, इसका प्राइस है करीब 1 लाख भाई टेंगे पर नाइट, बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 20-25 हज़ार पर नाइट हो गया, बहुत हो गया। चल आगे चल रहे हैं, एक जगह है मैंने अभी एक्सप्लोर करी थी तो वहाँ कुछ खाने वाने का ले लेते हैं यार, भूख बहुत लग रही। तो भाई देखो यार यहाँ पे रोड क्रॉस करने का सिस्टम है, आप देखो जब तक ये ग्रीन है ना, कितने सेकंड जब तक आप चल सकते हो, कोई गाड़ी भाई लाइन से पीछे ही दिखेगी, आगे कोई नहीं आएगी। और भाई रोड क्रॉस करो फिर, इंडिया में भाई हमारे ये सिस्टम हो जाए ना, इंडिया तरक्की कर जाए भाई। लेकिन ऐसे 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 यहाँ से भी जाओ, फिर यहाँ से भी ऐसे जाओ, मतलब ऐसे नहीं हम डायरेक्ट यहाँ से यूँ ऐसे चले जाएँ भाई, सब सिस्टम से चल रहा है भाई यहाँ पे, सब कुछ सिस्टम से भाई, कुछ भी बगैर सिस्टम के नहीं है। ये देख रहे हो आप ये जो बिल्डिंग्स है, ये मार्ट है भाई, ये कोई केसर प्लाजा है,
यहाँ पे भाई आपको सुपर मार्केट एक तरह की सब सामान मिल जाएगा भाई। अब यहाँ देखो भाई लोग सिगरेट के बहुत शौकीन है भाई, जिसको देखो आप सिगरेट ही हाथ में होगी उसके। बाकी भाई सुपर मार्केट के अंदर चलते हैं और कुछ खाने का लेते हैं भाई। भाई देख लो अंडर डिपार्टमेंट स्टोर के भाई आपको सब्जियाँ केले वेले, मैं भी तो रेट बता देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, बाकी तो एक स्पेसिफिक वीडियो बनेगी इसके कि कजाकिस्तान कितना महंगा है। 900 रुपये किलो मतलब दर्जन, 900 के 12 किले, इंडिया के हो गए अच्छे खासे यानी 200 रुपये के आसपास, महंगा है। बाकी ये देख लो भाई ये सब चीज़ें बहुत सही है भाई, सिस्टम लगा देखो सब मिलेगा भाई, जो खाना है वो सब मिलेगा। ये तो तुम्हारे रेडी टू कुक आइटम्स हैं भाई सारे। अब फटाफट देखते भाई हमें जो चीज़ लेनी है वो लेते हैं। अभी देख लो आपको इधर भी सब चीज़ें मिल जाएंगी। और देखो ये सूप है क्या है यार, ये समझ भी तो नहीं आ रहा भाई यहाँ पे कुछ क्या है क्या चीज़ यार, जो समझ आएगा वो लेंगे भाई। ये तो सेक्शन ही अलग है सुनो भाई, ये है अपने मतलब का सेक्शन भाई। देख लो भाई ये किटकैट है अपने, वहाँ पे इसका प्राइस होता है 30 रुपये और यहाँ पे है भाई 120 रुपये की है भाई, 120 रुपये की किटकैट बहुत महंगी भाई। बाकी देख लो भाई चाय पत्ती वाय पत्ती सब मिल रहा है भाई, मतलब आपको कुछ भी चाहिए सब मिल जाएगा। बाकी तो अभी ग्रीन बाजार चल ही रहे हैं, वहाँ पे तो बड़ी मार्केट है तो वहाँ भी देखते हैं क्या सिस्टम है। बाकी भाई देखो पानी की बोतल का यहाँ पे प्राइस है 235 टेंगे यानी कि करीब 45 रुपये के आसपास भाई, महंगा है यार इंडिया से तो महंगा ही है, मतलब इतना भी महंगा नहीं है, ठीक ठाक है, पर मतलब अल्कोहल सस्ता है, अल्कोहल बहुत सस्ता है यहाँ पे। अगर आप अल्कोहल के शौकीन है तो आप यहाँ पे अल्कोहल रेटिंग देख लो हमारे यहाँ की प्रेडेटर यहाँ पे 400 टेंगे की है, 37 यानी मानो 90 रुपीज़ का कहना भाई। ये देखो रेड बुल 140 रुपये का कहना है, मतलब ठीक है यार देखो थोड़ा महंगा है इंडिया से, बट वही है ना नशे की चीज़ें यहाँ पे सस्ती है और खाने की चीज़ें एज कम्पेयर महंगी है हमारे इंडिया से। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? अली। एंड व्हाट्स योर नेम? खनत। खनत, अरे वाह अली भाई आपका नाम तो बड़ा सही है यार, क्या बात है। हिंदी समझ आती है क्या? हिंदी आती है समझ? हिंदी आ रही है समझ है ना? नहीं आती यार, अरे आती है यार हिंदी समझ आती है, अरे आती है भाई। और बताओ भाई काको जबूत अली 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 काक जिला माटी मनिया जबूत फरदीन करोशो यो फ्रॉम शिमकंज दा दा या दा वेरी करोशो करोश यू करोशो यू गाइस डू बॉक्सिंग यू आर बॉक्सर नहीं तो दो दिन पंच प्लीज डू 2-3 पंच हिट ऑन हिज दिस मैन गुड पीपल कजाकिस्तानी पीपल खरोशो नाइस टू मीट यू ब्रो डर गया भाई डर गया कैसा लगा मेरा मजाक ओके ब्रो नाइस टू मीट यू भाई बहुत ही अच्छे हैं आई एम इंस्टाग्राम या मैं देता हूँ भाई एक सेकंड 126 और 16 में पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी पेमेंट आप लोग कैश कैश 200 टेंगे शॉपिंग भी कर लेंगे प्लस भाई थोड़ा बस की जर्नी भी हो जाएगी तो भाई ये देख लो आप यहाँ पे रेट यार सेब के भी रेट देख लो 2400 रुपए किलो भाई मतलब हो गया अप्रोक्स 600 रुपए किलो और ये देखो ये है 800 ये भी भाई 250 किलो हो गए मतलब महंगा है यार फल भी देखा जाए तो महंगा है चीज़ें महंगी बिल करवा लेते हैं यहाँ से बाकी भाई यहाँ सब लोग घूर घूर के देख रहे हैं यार मजे तो आ ही रहे हैं मजे नहीं आ रहे अलमारी में मजे नहीं अच्छा नंबर दे लेना भाई कुछ बात है तो बंदा हेल्प तो मांग सकते भाई यार किसी को लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है भाई देख लो यहाँ से इतना सा सामान लिया हमने एक पानी की बोतल एक बिस्किट का पैकेट और बिल आया भाई 1500 रुपये का यहाँ के मतलब इंडिया के हो गए 350 रुपये का भाई महंगा है यार महंगा चलो भाई बाहर निकलते हैं इससे। ठंड भाई इतनी ज़्यादा हो रही है बहुत ही ज़्यादा भाई ठंड बाहर निकलते ही फुल ठंड हो गई भाई ब्रो
भाई सुनी कर अपने इंडिया वाली। और भाई यहाँ पे ना कोई कूड़ा कूड़ा नहीं देख सकता भाई, ये देख लो कितनी साफ सफाई है भाई, कहीं कूड़ा नहीं दिखेगा आपको कहीं भी कोने में भाई। सिगरेट तक नहीं फेंकी हुई मिलेगी भाई, वो उसके लिए भी ना इन्होंने हर कोने कोने में एक डस्टबिन टाइप बना रखे हैं। देखो ये देखो, इसमें सब डालते हैं सिगरेट और कूड़ा। बहुत सही है यार भाई, माटी बहुत ही बढ़िया जगह लगी भाई मुझे तो। इसका नाम है मैग्नम सुपर। बाकी भाई यहाँ के लोगों का यार सच बताऊँ तो भाई ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है भाई, किसी को भी देख लो भाई, किसी लड़की को लड़के को भाई बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है यार, खासकर भाई लड़कियों का बहुत ही। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा कि थोड़ा गरीब शरीफ सा लग रहा हो, सभी भाई मतलब वेल्दी हैं भाई सब। एक बात और बता दूँ, यहाँ पे लोग चप्पल नहीं पहनते, और जो चप्पल पहनते हैं यहाँ पे टूरिस्ट भी पहनते हैं ना, लोकल बंदे उनको मानते हैं गरीब। ये मेरे को बात बताई थी लोकल ने कि आप जूते पहनते तो अमीर लगोगे और चप्पल पहनोगे तो आप गरीब लगोगे। सब ने भाई जूते पहन रखे, सब भाई सही है यार, मतलब माहौल यहाँ का बहुत सही है। और हर कोने कोने में आपको यहाँ स्मोकर बहुत मिलेंगे, हर लड़की भाई स्मोक कर रही है हर लड़की। और भाई देखो यहाँ पे ये भी रेंट पे मिलती है भाई जेट, इसका भाई अभी हमने देखा था चेक करा था तो 500 रुपये घंटा चलती है भाई ये, इसको लेंगे कल। एक बाइक नहीं है भाई यहाँ पे, ये तो बताना ही भूल गया मैं, एक बाइक नहीं दिखी भाई यहाँ पे तो, ये अभी पहली बाइक स्कूटी दिखी है मुझे, नहीं तो भाई सारी गाड़ी आपको ना वैसे यहाँ भाई शेवरोलेट और किया और टोयोटा की मिलेंगी, टोयोटा की ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। बाकी भाई सब ट्रैफिक रूल से चलते हैं, एक हॉर्न नहीं मारता कोई, एक भी हॉर्न, एक हॉर्न सुना तूने भाई अभी तक यहाँ पे, एक हॉर्न नहीं मारता भाई कोई, रूल एंड रेगुलेशन भाई। ये देख लो गाड़ी के बीच में कितना गैप है भाई, 5-6 फीट हमारे इंडिया में होता ना तो बिल्कुल उसके आगे घुसा के रखता भाई गाड़ी। भाई जो भी कूड़ा है ना भाई इसी में डालो यार, गंदा मत करो यार इतनी प्यारी सिटी को, सारे लोग ऐसे देख रहे हैं पता नहीं मैं आए शर्माते हैं भाई यहाँ के लोग यार, पर अच्छे है जैसे भी अच्छे यार। देखो कितना सही सिस्टम है यार भाई, मेरे हिसाब से ना ये वीडियो लंबी हो चुकी है और फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हनुमाटी आपको पड़ चुका होगा कि लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, रोड कैसे है, गाड़ियाँ कैसी है। मिलते हैं सेकेंड वीडियो में जो कि अब ग्रीन बाजार की होने वाली है, ग्रीन मार्केट की, जहाँ पे मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कजाकिस्तान कितना महंगा है कितना सस्ता है सारी चीज़ें। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।